इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट। एक क्रिएटिव प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव वीडियो कंटेंट को काफी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू मेक अ वीडियो लुक प्रोफेशनल इज हैविंग द करेक्ट लाइटिंग। किसी भी प्रोफेशनल वीडियोग्राफी या स्टिल फोटोग्राफी में लाइट की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। व्हाट मेक्स फिल्म लाइटिंग सो इंपॉर्टेंट? एक अच्छी लाइटिंग आपके शूट का एक मूड सेट करती है और ये आपके व्यूअर्स को अलाउ करती है कि वो देखते हुए इसको इमोशनली फील कर सकें। यहां ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका जो कैमरा है, जो आपके कैमरे का लेंस होता है, वो उन चीजों को उस तरह कैप्चर नहीं करता जैसे कि एक ह्यूमन आई देखती है। इवन द बेस्ट वीडियो कैमरा कांट एक्चुअली प्रोसेस द थिंग एज मच डिटेल एज अ ह्यूमन आई कैन डू। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप आर्टिफिशियल लाइट्स का इस्तेमाल करें। अगर आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो जो नेचुरल लाइट होती है वो तो सूरज की मूवमेंट के साथ साथ चेंज होती रहती है, बट आर्टिफिशियल लाइट gives you a complete control over the source of light as you can control when and where it moves. किसी भी सीन की लाइटिंग को देखने के लिए या समझने के लिए उसके एनवायरनमेंट का जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि क्या आपका शूट इंडोर है या आउटडोर, क्या आप क्लोजअप शॉट लेना चाहते हैं या लॉन्ग शॉट, क्या आपके फ्रेम में एक पर्सन है या एक से ज्यादा। इन क्वेश्चंस के आंसर्स के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितनी लाइट की जरूरत है। दिस इज द फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग द आइडियल लाइटिंग फॉर योर फिल्म एंड वीडियो कंटेंट। अगर आप इंडोर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि रूम में कोई एरिया जो डार्क स्पॉट है वो नहीं होना चाहिए, या अगर आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो किसी पॉइंट पे भी डार्क एरिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही शॉट में आपके सब्जेक्ट की लाइट कहीं ज्यादा और कहीं कम होगी तो एक से दूसरे इसमें एक तो प्रोफेशनल लुक नहीं होगी और दूसरा इस तरह की रिकॉर्डिंग ऑडियंस का इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पाती। बट इफ यू आर आउटडोर, ट्राई यूजिंग रिफ्लेक्टर्स टू यूटिलाइज द नेचुरल लाइट। रिफ्लेक्टर क्या होता है? रिफ्लेक्टर एक ऐसा पीस होता है जो कि थर्मोपिल की एक शीट भी हो सकती है, वो व्हाइट कपड़ा भी हो सकता है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है कि जहां पे सूरज की लाइट आ रही हो आप उसके सामने करते हैं और यहां से लाइट आप रिफ्लेक्ट करवा के अपने सब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं ताकि आपका सब्जेक्ट वो थोड़ा लिट अप रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे छोटी लाइट आपके पास है, इवन आपके मोबाइल के अंदर जो फ्लैश लाइट है, इससे आप क्या कर सकते हैं। हैव अ लुक।
अब हम बात करेंगे कि यहां पे कितनी किस्म की लाइट्स होती हैं और उनका क्या काम होता है। नंबर वन, फ्लैट लाइट। ये एक ऐसी लाइट होती है कि आप कमरे में हो तो आप बिल्कुल एक लाइट को छत के ऊपर थोड़ा बाउंस कर देते हैं और छत पे वो जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो पूरे कमरे में इवन चली जाती है और आपका जो करैक्टर होता है उस पे कोई डार्क शेडो भी नजर नहीं आ रहा होता। यानी कि ये मेक श्योर किया जाता है कि करैक्टर के ऊपर किसी किस्म का कोई शेडो ना हो, यानी कि लाइट किसी एंगल से नहीं बल्कि टॉप से या फ्रंट से डायरेक्ट फेस के सब्जेक्ट के फेस पे दी जाती है। इसको हम कह देते हैं फ्लैट लाइट। दूसरी लाइट है आपकी ब्रॉड लाइट। ब्रॉड लाइट क्या होती है? ये साइड लाइटिंग होती है। ये किसी भी फेस के ऊपर किसी एक साइड से आ रही होती है जो कैमरे के तरफ होता है, यानी कि जो हिस्सा फेस का लिट होता है जहां से लाइट आ रही होती है वो वाला हिस्सा अगर आपका कैमरे की तरफ है तो दूसरा हिस्सा जो कैमरे के अगेंस्ट है वहां पे डार्क शेडोज आ रहे होते हैं। इस तरह की लाइट को हम ब्रॉड लाइट भी कहते हैं। शॉर्ट लाइट। शॉर्ट लाइट क्या होती है? ये ब्रॉड लाइट का बिल्कुल इनवर्स है, यानी कि कैमरे का एंगल आपके फेस के उस तरफ होता है जहां पे लाइट नहीं आ रही होती। यानी कि अगर मेरे राइट साइड पे मैंने अपनी कैमरा रखा हुआ है तो मेरा राइट साइड पे जो साइड है वो ब्लैक है, बट मैंने अपनी जो लेफ्ट साइड से रोशनी आ रही है और मेरी लेफ्ट साइड अगर लिट है तो ये जो ब्रॉड लाइट है उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, शॉर्ट लाइट हो जाएगी। आसान लफ्जों में अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरफ आपका कैमरा होगा वहां पे डार्क शेडोज होंगे और कैमरे के जो अपोजिट हिस्सा होगा वो प्रॉपर लिट होगा। ये समटाइम फीलिंग्स के लिए, सॉरो के लिए, सैड शूट के लिए ये इस तरह की लाइट बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। अगली जो लाइट है इसको हम कहते हैं स्प्लिट लाइट। स्प्लिट लाइट कहते हैं ऐसी लाइट कि अगर आपके सब्जेक्ट के बिल्कुल 90 के एंगल पे, यानी कि मेरे बिल्कुल राइट साइड पे या बिल्कुल लेफ्ट साइड पे अगर एक लाइट रख दी जाए तो बिल्कुल एक बॉडी का हिस्सा मेरा बिल्कुल लिट हो जाएगा और बॉडी का दूसरा हिस्सा बिल्कुल डार्क हो जाएगा, तो इस तरह की जो लाइट को हम कहते हैं स्प्लिट लाइट। स्प्लिट लाइट इज अनदर टाइप ऑफ साइड लाइटिंग बट इट इज डिफाइंड एज अ लाइट दैट हिट योर सब्जेक्ट फ्रॉम द साइड एट अ 90 डिग्री एंगल। अगली जो लाइट है वो है आपकी बैकलाइट। बैकलाइट क्या होती है? जो आपके कैमरे के बिल्कुल ऑपोजिट होगी, यानी कि अगर मैं जिस एंगल से भी अपने मोबाइल का जो कैमरा है वो रखा है बिल्कुल उसके अगर सामने लाइट है, यानी कि करेक्टर के पीछे अगर बिल्कुल लाइट है तो इसको हम बैकलाइट कहते हैं। बैकलाइट से मुराद ये भी ली जा सकती है कि जब हम अपने करेक्टर को, अपने सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना होता है इनडोर में तो भी हम बैकलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बैकलाइट नॉर्मली जो सब्जेक्ट की हाइट से ऊपर होती है, यानी कि उसके दुगनी हाइट पे होती है, तो वहां पे वो शेडो और हेड्स पे वो लाइट आ रही होती है ऑलमोस्ट, और वो बैकग्राउंड से आपके सब्जेक्ट को थोड़ा डिफरेंट करती है। बैकलाइट से मुराद ये भी ली जा सकती है कि अगर किसी विंडो में रोशनी आ रही है और उस विंडो के बिल्कुल सेंटर में अपना सब्जेक्ट खड़ा कर दूं और फिर उसके सामने अपना जो कैमरा रखूंगा तो पीछे वाइट होने की वजह से मेरा करैक्टर बिल्कुल डार्क हो जाएगा, बिल्कुल एक शेडो में आ जाएगा, डार्क शेडो में आ जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। इस तरह की लाइट को भी हम बैकलिट कहते हैं। एक लाइट होती है हमारी सेमी सिलेट लाइट। सेमी सिलेट लाइट बहुत रोमांटिक शॉट्स के लिए, फीलिंग शॉट के लिए यूज की जाती है। ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह की लाइट होती है जैसे आप कह दें कि बैकलाइट है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो पावर है वो कम होती है। बैकलाइट में क्यों इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि आपके सब्जेक्ट को वो बिल्कुल ब्लैक कर देती है, लेकिन सेमी सिलेट में हम हल्की सी लाइट कैमरे के सामने भी रखते हैं, वो बहुत अच्छी एक आपको गोल्डन कूल कलर की या वार्म कलर की एक फील दे रही होती है, जैसे सूरज डूब रहा हो और आप वहाँ पे अगर थोड़ा सा उसको सामने रख के अपने करैक्टर को शूट करें तो बहुत ही एक रोमांटिक शॉट आपको, रोमांटिक लाइट की एक फील मिलती है। हल्का सा आपका जो सब्जेक्ट होता है वो शार्प नहीं होता, थोड़ा सा ब्लर में जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसको आप कह देते हैं सिलेट में चला जाता है, वो बहुत एक रोमांटिक और बहुत एक कमर्शियल शॉट आपको प्रोड्यूस करके देता है। इसको हम कहते हैं सेमी सिलेट शॉट। अगली आपकी लाइट है रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्टर लाइट भी बिल्कुल उसी तरह का काम कर रही है जो बैक लाइट में सूरज या विंडो की रोशनी आपके लिए काम करती है। ये एक आर्टिफिशियल लाइट होती है जो कि आप बिल्कुल उसको रिफ्लेक्ट करके किसी चीज़ के साथ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्टर के साथ आप रिफ्लेक्ट करके दीवार के साथ भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कपड़े के साथ भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, मिरर के साथ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, मरकरी शीट के साथ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो उसका एंगल इस तरह का एडजस्ट कर दिया जाता है कि वो वापस रिफ्लेक्ट होकर लाइट आपके सब्जेक्ट के ऊपर आती है। तो एक आर्टिफिशियल लाइट को जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसको भी हम रिफ्लेक्टर लाइट कहते हैं। अगर हम किसी प्रोफेशनल फिल्म की, ड्रामा की,
किसी सोलो प्रोग्राम सोलो करेक्टर के प्रोग्राम्स की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइट है जिसका बहुत अमल दखल होता है फील क्रिएट करने में, करेक्टर को इन्हांस करने में, करेक्टर को हाईलाइट करने में, उस लाइट को हम कहते हैं थ्री पॉइंट लाइटिंग। थ्री पॉइंट लाइटिंग होती क्या है आइए देखते हैं। ये थ्री पॉइंट लाइटिंग है क्या? जिस तरह आपको लगता है नाम से ही जाहिर है कि तीन लाइट्स हैं, उनको एक खास एंगल से खास इंटेंसिटी के साथ हम प्लेस करते हैं जिससे आपकी फिल्म में, आपकी पिक्चर में एक ड्रामेटिक लुक आती है, एक मूड क्रिएट होता है, इसको हम कहते हैं थ्री पॉइंट लाइटिंग। ये लाइटिंग का बहुत बुनियादी उसूल है, इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली लाइट जो इसमें यूज की जाती है उसको हम कहते हैं की लाइट, दूसरी लाइट होती है उसको हम कहते हैं फिल लाइट, और तीसरी लाइट है हमारी बैक लाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी की लाइट। दिस इज योर प्राइमरी लाइट सोर्स ऑफ द सीन। की लाइट इंटेंसिटी के लिहाज से ये सबसे स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट लाइट होती है। ये आपकी मेन लाइट है जो कि आपके सब्जेक्ट को लिट करती है। की लाइट नॉर्मली तौर पर कैमरा से तकरीबन 20 से 45 डिग्री एंगल पे प्लेस की जाती है। मिसाल के तौर पे इस करेक्टर में देखें कि ये लड़की हमारा सब्जेक्ट और करेक्टर है, यहाँ पे बिल्कुल सामने इसके एक कैमरा है और कैमरे के बिल्कुल 45 डिग्री पे एक लाइट रखी है और इसको ऑन ऑफ किया है। यहाँ पे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि इस की लाइट का इस लड़की, इस करेक्टर और इस सब्जेक्ट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर आप वीडियो को गौर से देखें तो इसका इस एक फेस का जो एक हिस्सा है वो तो लिट हो गया है, लेकिन दूसरी साइड पे इसके शेडोज भी क्रिएट हो रहे हैं। दूसरी लाइट जिसका हम जिक्र करेंगे जो कि इसका मेन लाइट है वो है हमारी फिल लाइट। एक्चुअली इट कैंसल्स द शेडो क्रिएटेड बाय अ की लाइट एंड डज नॉट क्रिएट इट्स ओन शेडो बिकॉज इसकी इंटेंसिटी आपकी की लाइट से नॉर्मली 40-50% होती है। अभी आप वीडियो में देखें तो इस करेक्टर की जब हम फिल लाइट को ऑन करते हैं तो जो फेस के दूसरी तरफ जो शेडोज थे वो थोड़े कम हो गए हैं और एक नेचुरल लुक दे रहे हैं। इसका अपना कोई शेडोज नहीं होता क्योंकि इनकी इंटेंसिटी की लाइट से कम होती है। तीसरी लाइट जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइट है उसको हम कहते हैं बैक लाइट, नॉर्मली इसको किकर भी कहा जाता है। दिस लाइट एक्चुअली लिट अप योर करेक्टर एंड सब्जेक्ट फ्रॉम बिहाइंड। Normally, we place it higher from the subject. ये लाइट एक्चुअली आपके एक्टर या सब्जेक्ट को आपके बैकग्राउंड से सेपरेट करती है। इन दिस वीडियो हमारे करेक्टर पे जब हम बैकलाइट को ऑन करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि हमारे करेक्टर की जो पीछे एक फिल लाइट जब उसको बैकलाइट आ रही है तो वो बैकग्राउंड से हमारे करेक्टर को सेपरेट करती है और इससे करेक्टर थोड़ा नुमाया तौर पर इस वीडियो में आपको नजर आ रहा है। अभी हम इस वीडियो के फिल लाइट को ऑन ऑफ करके देखते हैं और फिर उसके बाद बैकग्राउंड की जो बैकलाइट है इसको ऑन और ऑफ करके इसका इंपैक्ट चेक करते हैं।